मुख्यमंत्री जी हमको अब हो गया, आपने इतना दिन आदेश किया, हम इसको चला ली, अब हमको इससे मुक्त कर। तो कई बार तो गुस्सा में उन्होंने कहा कि आप नहीं अगर बनिएगा तो हम, आप अगर छोड़ने उड़ने का बात करिएगा तो हम दीवार में माथा फोड़ लेंगे, फिर हम चुप हो जाते थे। लेकिन इधर अकेले में हमने एक दिन उसे हाथ जोड़ के विनती किया कि देखिए हमारा चुनाव है, चुनाव प्रभावित हो जाएगा, हम जितना क्षेत्र में समय देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं, और पार्टी में जितना समय हमको देना चाहिए हम वो नहीं दे पा रहे हैं, तो दोनों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, तो इसलिए हमको छोड़ दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका इतना आग्रह है और चुनाव है तो आप फट जाइए, हम तब किसी को नहीं बनाएंगे, हम खुद बनेंगे। नहीं, ये टाइमिंग जो है ललन जी, ये सस्पेक्ट है कि जिस समय चुनाव मुहाने पे खड़ा है और अचानक से ये खबर आती है। आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया स्क्रिप्ट लिखता है, आप कह रहे थे कि ये सब गोदी मीडिया के चलाने पे चल रहा है इस्तीफे की खबर, लेकिन इस्तीफा तो आपने कल दे दिया, तो जब सख्त आदेश उनका था तो वो क्यों नहीं माने आप? इसलिए कि इस बार क्यों तैयार हो गए बनने के लिए? इसलिए कि वो मेरी इच्छा से और उनकी सहमति से ये तय हुआ था। और आप जो कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा का चुनाव के कारण ही तो हम मुक्त होना चाह रहे थे, हमको भी तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है। ये बात हजम नहीं होती है ललन जी की, आपको अपने मुंगेर क्षेत्र में चूंकि ज्यादा समय देना है इसलिए आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किस लिए? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का मतलब ये होता है कि हम पार्टी का काम करें, और पार्टी का काम करना था कई राज्यों में दौरा करना था, तो हम क्षेत्र को छोड़कर कई राज्यों में दौरा करते रहते। तो आपके कहने का भी मतलब वही है कि भाई आप चुनाव हारिए चाहे जीतिए लेकिन इसको मत छोड़ते। तो मेरे लिए मेरी बात जो व्यावहारिक मेरी कठिनाई थी, और इस बात की चर्चा कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी और राष्ट्रीय परिषद में भी मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से इसको बताया कि ये नहीं चाहते थे, हमने बनाया इनको, लेकिन अब इनकी इच्छा थी तो इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। ये तो उन्होंने कहा, ये तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश लग रही है। वो डैमेज कंट्रोल क्या होगा इसमें? इसमें कौन सी डैमेज कंट्रोल होगा? इसमें क्या डैमेज होगा आप बताइए ना। नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता है, नीतीश कुमार जी एकमात्र नेता, इसमें डैमेज क्या होगा भाई? हम अगर नहीं बने, कल लोकसभा का चुनाव होना है तो पार्टी में एक अध्यक्ष में बड़ा चेहरा चाहिए, तो बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है, तो अध्यक्ष हो रहे, इसमें कौन बड़ी बात है? मेरे बाद नीतीश जी खुद अध्यक्ष हुए, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। फिर हमको इस बात का गर्व होता है कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई आप नहीं रहिएगा तो हम रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।